नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बजाज द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं बाबा राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा के बारे में। मीडिया ने बहुत कुछ दिखाया डेरा और गुरुजी के बारे में, कितनी सच्चाई थी उनकी बातों में, उसी सच्चाई की खोज में निकले हैं डायरेक्ट लोगों के बीच, जानते हैं उनके विचार। सर आपका नाम? जगवीर सिंह। सर आप डेरा सच्चा सौदा से कितने समय से जुड़े हैं? 11 साल से। लास्ट 11 सालों से डेरा के साथ है। क्या आपने इतने टाइम में कभी डेरा में गलत होते कुछ देखा? नहीं, हमने तो कभी कुछ नहीं देखा। मीडिया में बहुत कुछ दिखाया गया डेरा के बारे में और गुरुजी के बारे में, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? 100% झूठ है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा विश्वास है, अगर विश्वास है तभी 11 साल से यहाँ हूँ। क्या आने वाले समय में भी गुरुजी के साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। आपको आपके गुरुजी ने किस तरह की शिक्षा दी है? मानव भलाई की, सबका भलाई करो, सबको अपने साथ जोड़ो। किस तरह के मानवता भलाई के कार्य करवाए हैं? जैसे खूनदान हुआ, गरीब बेटों के ब्याह करना, गरीबों का मकान डालना आदि आदि। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुजी के बारे में और डेरा सच्चा सौदा के बारे में? साफ सुथरा जुड़ो, गुरुजी से जुड़ो, जितना भी हो सकता है अपने बहन भाई की तरह रहो। सर आपका नाम? बलदेव सिंह। सर आप डेरा सच्चा सौदा से कितने समय से जुड़े हैं? 1997 से जुड़ा हूँ। लगभग 25 वर्षों से डेरा सच्चा सौदा के साथ हैं। क्या आपने डेरा में कभी गलत होते कुछ देखा? कभी नहीं कुछ देखा। मीडिया में बहुत कुछ दिखाया गया डेरा के बारे में, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल झूठ है ये कोई सच नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या आप आने वाले समय में भी डेरा सच्चा सौदा के साथ रहेंगे? हाँ, मरते तक दम तक रहेंगे। आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुजी के बारे में और डेरा सच्चा सौदा के बारे में? हमने तो ऐसा गुरुजी का अब तक नहीं सुना है, ना ही देखा है, ना ही कभी होगा। ये है बहुत ही पहुँचे गुरुजी है हमारा। हम हार्ट के मरीज थे, हमारे को डॉक्टर हर एक कह रहा था 4 लाख रुपया ले आओ, ऑपरेशन बाईपास होगा। इन्होंने मेरे को चाय पत्ती दी, गुरुजी ने वचन किए चाय पत्ती के, मैं उससे बिल्कुल बहाल हो गया। मैनू इतना विश्वास है, मैं रब तो ही बहुत विश्वास करता हूँ जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार साझे किए।